भाई मैं ना पूरे इंडिया में गया हूँ, मैंने पूरे इंडिया का स्ट्रीट फूड कवर किया है, लेकिन जितनी दीवानगी देसी चाइनीज फूड की यहाँ माता गायत्री चाइनीज सेंटर में ना, मैंने ऐसी दीवानगी कहीं नहीं देखी। आप खुद ही अंदाजा और अनुमान लगाइए कि इतने ज़्यादा लोगों की भीड़ है शाम के 6 बजे इनका देसी चाइनीज खाने के लिए। और मैंने सुना है इससे सस्ता, इससे ज़्यादा देसी चाइनीज ना आपको नागपुर छोड़िए कहीं नहीं मिल सकता। चलते हैं सतीश भैया के पास, मिलवाते हैं उनसे और खिलाते हैं इनका इतना ज़्यादा देसी चाइनीज कि अगर एक बार आपने खा लिया ना, लोग कहते हैं आप इसका स्वाद भूले नहीं भुला सकते। आइए देखते किस तरीके से इसे तैयार किया जाता है। तो अभी क्या बन रहा है सतीश भैया? तवा नूडल्स बन रहा है कॉम्बो। अभी सबसे पहले नूडल्स बन रहा है, अभी नूडल्स कॉम्बो बनेगा। तो नूडल्स कॉम्बो के लिए सबसे पहले तवे पे आपने डाली हरी मिर्ची, प्याज डाला, शिमला मिर्ची डाल दिया हूं, बीटरूट, गाजर। ये क्या डाल रहे हैं? ये गार्लिक जिंजर का पेस्ट है। अच्छा, जबकि इसमें चॉपिंग करके जाता है, ये ऐसा वाला चॉपिंग करके जाता है, पर मेरे पास समय नहीं रहता तो मैं पेस्ट ही डालता हूँ सीधा। अभी ये टमाटर प्यूरी की ग्रेवी है, ठीक है? ये कौन सी ग्रेवी है? टमाटर प्यूरी की ग्रेवी है। अच्छा। अभी अपन मंचूरियन ग्रेवी बना, ठीक है? इसमें मैंने पत्ता कैबेज डाल दिया हूँ, सम्मार, ये ऑनियन, ये बीटरूट, गाजर। तो साथ में आप देखिए कितनी बड़ी कढ़ाई के अंदर कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे मंचूरियन की ग्रेवी जो है वो तैयार कर रहे हैं, और कॉम्बो में यही जाता है। तो नूडल्स और मंचूरियन कॉम्बो आपको मेरे ख्याल से इससे सस्ता कहीं मिलने वाला नहीं है, मात्र 30 रुपये का ये कॉम्बो रहता है। अब देखिए कढ़ाई भर के यहाँ पे ग्रेवी भी तैयार हो रही है और तवा भर के यहाँ पे नूडल्स का तैयार किया जा रहा है। अब ये कैबेज आ गया, इसमें ये सिरका आ गया ऊपर से, वेनेगर। अब इसमें मैंने सम्मार तक डाल दिया था, ये चिंग्स कंपनी के मसाले भी है। अभी अपनी चाउमीन डाल रहे हैं, ठीक है? ये भी बॉयल नूडल्स है भाई। क्वांटिटी आप देख सकते हो आपके सामने कितनी सारी क्वांटिटी में यहाँ पे तवा भर भर के जो नूडल्स है ना वो बनाई जाती है, इतने कम दाम के अंदर बिल्कुल देसी स्टाइल में आपको ये नूडल्स बना के खिलाते हैं। ये नमक, ये नमक, ये चाइनीज नमक, अजीनोमोटो, शुगर, मसाले, ये मसाले, ये वाइट पेपर, चिली फ्लेक्स। क्या बात है, ये कौन सी सॉस आ गई? रेड चिली सॉस। रेड चिली, वाह। चिंग्स कंपनी की है, मेल टाइम कंपनी, जो डालूंगा वही दिखाऊंगा, झूठ बोल के नहीं, जो भी है सब सामने ट्रांसपेरेंट ही। ये सोया सॉस, हाँ। और ये केचप, ये केचप, यही अपने मंचूरियन बॉल रहते हैं, 1 प्लेट में 6 बॉल, 30 रुपीज प्लेट, 6 बॉल आते हैं 30 रुपए के अंदर, 30 रुपए के साथ, हाँ। वाह, डाल दो सोनू भाई। देखिए जी, एक तरफ बन रहे हैं नूडल्स, दूसरी तरफ बन गया है ये मंचूरियन, और आपने देखा कैसे कढ़ाई भर के यहाँ पे मंचूरियन बनाया जाता है और उसके अंदर मंचूरियन बॉल जाएगी। गीला नहीं करना, एक में सुपर तो डालना। मैं चाहूंगा कि आप एक नजर जरा यहाँ पे डालें, क्योंकि इनकी जो नूडल्स है बन चुकी है। अब देखिए कितनी सुपर ह्यूमन स्पीड में यहाँ पे प्लेट लगाई जाएंगी, उसके ऊपर मंचूरियन डाला जाएगा और फिर ये प्लेट सर्व की जाएगी। आपने देखा कितनी तेजी से यहाँ पे नूडल्स को तैयार किया गया, और उतनी ही तेजी से इनके जो नूडल्स कॉम्बो है ना वो बिक भी जाएगा। मात्र 30 रुपए के अंदर ये कॉम्बो बना के आपको सर्व करते हैं, और भाई साहब इतना लाजवाब कि मतलब अगर आपने इसका स्वाद नहीं चखाना यहाँ पे आके तो यकीन मानिए फिर असल देसी चाइनीज ना आपने भी खाया। एक डालना सोनू भाई, ये वेजेस भी इसमें जाएगा। अच्छा, ऊपर से वेजेस भी जाता है? 4 से 5 किस्म के वेजेस रहते हैं उसमें। क्या बात, बीटरूट है, गाजर है, कैबेज है, पर्पल कैबेज है। अरे वाह, उसमें अभी लेट्यूस नहीं आ रहा है ना, तो लेट्यूस भी रहता है। ये ऊपर से क्रंची नूडल्स भी आ गए, हाका नूडल्स आ गया। इसके कोई भी काउंटर पे जब जाओगे तो हाका नूडल्स बोलोगे तो आपके चार्ज ले लेंगे, यहाँ कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है? अब ये मसाले है, मसाले में मेरे पास पेरी पेरी है, मैगी है, पास्ता है, पिज्जा और मैगी मसाला है। ये कोई सीक्रेट मसाले नहीं है भाई, हाँ। और ये चाट मसाला है। क्या बात है, और इसमें भी चाइनीज वाले बोलते हैं कि चाइनीज में चाट मसाला डाल रखा टेस्ट के लिए। अरे ये आपकी कॉम्बो हो गई रेडी। अब ये बना है ड्राई गार्लिक वेज मंचूरियन, वो भी ओनली 50 रुपीज प्लेट में। क्या बात है, 50 रुपीज में। और उसमें भी अभी देखो ये हाका नूडल जाएगा, और आपको मसाले लगते तो मसाले चलेगा। वर्ल्ड में कहीं नहीं बनता, दिल्ली में सिर्फ सोया चाप बनता है, वो भी चना दाल डाल के, और अपने बनता सोया चंग न्यूट्रीला वड़ी का। ये वड़ी, ये गार्लिक जिंजर डाल रहा भैया, बीटरूट और गाजर, बीटरूट गाजर, फिर शिमला, शिमला मिर्च, ऑनियन। तो आप ये देखिए यहाँ पे बन रहा है सोया चंक, और जिसके अंदर आप देखेंगे कि इन्होंने ऑयल डाला है, साथ में गार्लिक डाला, उसके बाद मिर्ची डालने के बाद अनियन डाला, और साथ में कैप्सिकम, शिमला मिर्च, बीटरूट गाजर है, बीटरूट और गाजर है। अब ये थोड़ा ब्राउन होगा, उसके बाद अपन वड़ी डालेंगे। चंक ये बॉइल्ड रहता है? नहीं भाई, फ्राई रहता है। अच्छा, फ्राइड रहता है, तो भिगोने के बाद इसको फ्राई करते हैं, भिगाना पड़ता। चिली, ये चिली फ्लेक्स, अजीनोमोटो, ये शुगर, मसाले, वाइट पेपर, सम्मार,
ये धनिया, ये रेड चिली सॉस, ये रेड चिली सॉस, अरे वाह क्या बात है, ये ग्रीन चिली, ग्रीन चिली सॉस, केचप, वाह। तो ये 30 रुपए कमाई कुछ ही नहीं भैया, ये ट्रांसपेरेंट ही आपके सामने, जबकि गुप्ता या शाह जो भी ठेला चलाता हूँ वो बंदा डबल कमाता है, और उनके बंगले गाड़ी सब कुछ है, अपने पास सिर्फ माँ बाप का दिया मकान है, बाकी कुछ नहीं है। क्या बात, बाकी आप लोग का प्यार है इसी के लिए खड़े हैं, और माँ बाप का आशीर्वाद भी, बस बस जिंदगी में और कुछ नहीं कमाया, नहीं तो चाइनीज ये आइटम ही वैसे है सब डबल वाले है। आप दिल्ली में देख लो एक दही भल्ला जो बेचता है अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया उसने, 70 रुपए की एक प्लेट है भैया, भाई ये बात तो माननी कॉस्टली है ना, देखो ना आप 30 रुपए में मेरे को पड़ेगा क्या ये बताओ आप, भाई मात्र 30 रुपए के अंदर, ठीक है अभी उसके बावजूद भी पहले मैं कस्टमर को टेस्ट करवाता हूँ, उसके बावजूद ही खिलाता हूँ, उसके पहले नहीं खिलाऊंगा, ठीक है। ये देखो ये टूथपिक रखे, तो मैं टूथपिक का डब्बा लूं, भाई ये टेस्ट करो ना, अच्छा पहले आप टेस्ट कराते हो, भाई ये टेस्ट करो, हाँ ये देखो ये टूथपिक है ना, भाई देखो ये भैया भी टेस्ट कर लेंगे, ये लो टेस्ट करो जी, बताओ कैसी है, हाँ कितना सोया है, लीजिए आप ही करिए टेस्ट, करिए करिए, सही है भैया, ओके ये भैया को भी करा दो पीछे, आप पहले दीदी बताएंगी बेस्ट है, लो भैया आप भी करो एक सेकंड, ये भैया के पीछे करो टेस्ट, भैया पहले टेस्ट करो और बताओ कैसी है, ओके भैया सबने ओके ओके गो अहेड दे दिया, कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, वो अब सीधा पार्सल हो जाएगा अभी, अच्छा सीधा पार्सल जाएगा, आओ देखिए दुकान का खुलने का समय है 5 बजे, अगर तो आप आ गए 5:15 के बीच में तो आपका नंबर जो है वो जल्दी आ जाएगा, लेकिन कहीं अगर आप आ गए 6:30 के बीच में तो आप खुद ही देखिए कि कितना ज़्यादा रश यहाँ पे लगता है, हालांकि लॉट दर लॉट यहाँ पे जो नूडल्स हैं, जो मंचूरियन हैं, जो फ्राइड राइस हैं वो बनते रहते हैं, लेकिन कम से कम 20 से 25 मिनट तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि मात्र 30 रुपये में इतना सस्ता, और कहते हैं इससे बेहतरीन आपको पूरे नागपुर में कहीं नहीं मिलेगा। हमने लिया है ये देसी कॉम्बो की प्लेट, जिसमें हमने लिया है नूडल्स, साथ में मंचूरियन है, और 30 रुपये की ये प्लेट रहती है, ऊपर से क्रिस्पी वेज रहता है, और इतनी ज़्यादा टेम्पटिंग और माउथ वाटरिंग है ना कि एक बार ट्राई करनी पड़ती है। देखिए असली देसी चाइनीज जो होता है ना वो असल में ये होता है, बिल्कुल मतलब देसी स्टाइल से बनाया गया है, आप देखेंगे केचप भी डाल दी, अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया, हालांकि चाइनीज़ नूडल्स के अंदर ये सब जाता नहीं है, लेकिन लोगों को यहाँ पे यही पसंद है, ऊपर से क्रिस्पी वेज है, ऊपर से वेजिटेबल है, ऊपर से मसाले हैं, और ढेर सारा सतीश भैया का प्यार और माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद के साथ इसको तैयार किया गया। भाई साहब मैं तो ये कहूँगा कि कभी भी नागपुर में आओ ना तो सतीश भैया के पास आके इनका ये देसी चाइनीज़ कॉम्बो ज़रूर ट्राई करना, 30 रुपये के अंदर ऐसा कॉम्बो शायद आपने खाया नहीं होगा, आइएगा खाइएगा और बताइएगा कैसी लगी हमारी ये रिकमेंडेशन, एक बार ट्राई करनी बनती है, और हाँ अगर चैनल पे नए हो ना तो सब्सक्राइब भी करना बनता है।